नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाओं में कुछ ज्यादा ही इजाफा दिखता नजर आ रहा है, खासकर महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर। अब विपक्ष जो है वो खुलेआम नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है, और चिराग पासवान के बारे में तो आप जानते ही हैं। लगातार शुरू से ही नीतीश कुमार के कुशासन को लेकर उन्होंने बारीकी से हर मुद्दा उठाया, लेकिन अब देखिए दलित महिलाओं पर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में अत्याचार हुए हैं उसको लेकर चिराग पासवान किस प्रकार से मुखर नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बेगूसराय की है। बेगूसराय के छौराही थाना की एक महिला जानवरों का चारा लेने खेत में जाती है और फिर वो लापता हो जाती है। दो दिन बीत जाते हैं और फिर भी जब कुछ पता नहीं चलता है तो घर वाले पुलिस के पास जाते हैं, और जब जानकारी मिलती है तो पाया जाता है कि खेतों में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद होता है। और उसके बाद चिराग पासवान आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वहां पहुंचे थे, और देखिए क्या गमगीन तस्वीर देखने को मिली, किस प्रकार से जो परिवार है वो चिराग पासवान से लिपट कर रोता बिलखता दिखाई दे रहा है। दो दिन के बाद ये तस्वीर बेगूसराय की है, लेकिन आपको बताएं कि कुछ दिन पहले अरवल में भी एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जब नशे में धुत एक अपराधी एक गरीब दलित महिला परिवार के घर में घुस जाता है, दुष्कर्म करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है तो बाहर निकलकर उस घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, और इसका परिणाम ये होता है कि माँ और बेटी दोनों जलकर वहीं मर जाते हैं। ये देखिए बिहार में अब इस प्रकार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो पिछले कुछ समय से बढ़ते नजर आ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि बिहार में जंगल राज पार्ट टू एक बार फिर वापस लौट रहा है। चिराग पासवान का भी वही इशारा है। तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे चिराग पासवान मिलते हैं, ढाढ़स बंधाने की कोशिश करते हैं, संयम बरतने की कोशिश करते नजर आते हैं, उन्हें समझाते बुझाते नजर आते हैं। इस बार जब गए थे बेगूसराय में उस पासवान परिवार से मुलाकात करने तो क्या दृश्य था वो तो आपने देखा ही। अरवल में भी पासवान परिवार की महिला के साथ ये घटना घटी थी, और ऐसे में चिराग पासवान का कहना है कि पिछले कुछ समय में बिहार में दलित महिलाओं पर दलित परिवारों पर जो अत्याचार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, आपराधिक घटनाओं को रोकने में नीतीश सरकार और उनकी प्रशासन विफल हो गई है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।